हेलो वीवर, आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 इंग्लिश यूनिट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 ए। इसका ऑलरेडी पार्ट नंबर 5 आ चुका है, ये दूसरा पार्ट है, पार्ट नंबर 5 ए। कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर के, कमेंट ज़रूर के, कमेंट पर की ज़रूर के। और यूनिट नंबर 5 का नाम है द लॉयन एंड द माउस। आज देखेंगे कौन सा पेज है इसमें, पेज नंबर 50 है इसमें। पेज नंबर 50 में क्या है, मैप योर आइडिया, अपने आइडिया को लिखिए। वाई डिड द हेयर लाफ एट द टर्टल्स, खरगोश क्यों, खरगोश क्यों किचुए पर हंसा, स्वे वाले अगे पूरे टर्टस पूरे उखांदर, स्वे वाले टर्टस पूरे उखांदर, टर्टस मतलब शमशते पूरे उखांदर। वाई डिड टर्टस चैलेंज द हेयर, वाई डिड द शमशत किचुए ने हेयर को चैलेंज क्यों दिया, या उसका चैलेंज क्यों कबूल किया। हाउ डिड हेयर एंड द टर्टस फील ड्यूरिंग द रेस, टर्टस और किचवे और खरगोश ने रेस के दौरान क्या महसूस किया। वाई डिड द हेयर टेक अ रेस्ट, खरगोश क्यों सो गया। हु वॉन द रेस, किसने मैच जीता। वट डज द स्टोरी टीच, स्टोरी ने हमें क्या बताया, स्टोरी ने हमें बताया क्या। मैं हम पढ़ते हैं नंबर 1। ओके, व्हाई डिड द हेयर लाफ एट द टॉर्टस, ओके, किचवे पर खरगोश क्यों हंसे, खरगोश क्यों हंसा किचवे पर, खरगोश वाले उखांदल शमशते पूरे। हेयर लाफ एट द टॉर्टस बिकॉज ऑफ द स्लो वॉकिंग ऑफ द टॉर्टस, हेयर लाफ एट द टॉर्टस, खरगोश किचवे पर हंसा बिकॉज, क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्लो वॉकिंग ऑफ द टोर्टस, टोर्टस के आहिस्ता चलने पर वो हंसा, किचवे के आहिस्ता चलने की वजह से किचवे पर हंसने लगा। ओके, बस शमशते पर मजा कर दीदा नो पदे वजह वर पसी हेयर वर पूरे उखांदल, हेयर मतलब स्वीम वर पूरे उखांदल। वाई डिड द हेयर चैलेंज द टर्टस, हेयर ने टर्टस को क्यों चैलेंज किया। हेयर मतलब खरगोश ने किचवे को क्यों चैलेंज किया, खरगोश ने क्यों किचवे को ललकारा, क्यों चैलेंज किया। द हेयर चैलेंज द टर्टस बिकॉज हेयर वॉज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, हेयर ने किचवे को इसलिए चैलेंज किया बिकॉज, क्योंकि वो खुद उसको खुद पर बहुत फख्र था। नंबर 3, हाउ डिड द हेयर एंड द टर्टस फील ड्यूरिंग द रेस, हाउ डिड द हेयर एंड द टर्टस फील ड्यूरिंग द रेस, रेस के दौरान हेयर और कच्चे को और किचवे को क्या महसूस हुआ। रेस द रेस के दौरान की खरगोश था और किचवे था और शमशते तस महसूस छू, उनको दोनों को क्या महसूस हुआ। द हेयर फील प्राइड, हेयर को फखर महसूस हुआ। एंड द टर्टस ट्रस्ट ऑन अल्लाह, और किचवे ने अल्लाह पर भरोसा किया। स्वे पखपल जान फखर को, प्राइड फील प्राइड पखपल जान फखर को, और शमशते चिवा नागी पर अल्लाह बानी भरोसा उकला। Why did the hare take a rest? Why did the hare take a rest? खरगोश ने आराम क्यों किया? खरगोश वाले आराम को वाली उद्देश्य होता है। Hare took rest because he thought the tortoise can never win the race. The खरगोश took the rest. खरगोश ने इसलिए सो गया या इसलिए आराम किया because क्योंकि he thought उसने सोचा the tortoise के किचवा can never win the race. किचवा कभी भी ये दौड़ नहीं जीत सकता, ये रेस नहीं जीत सकता। खरगोश आरामों को टुक द रेस्ट, अगे आरामों को बिकास जकची ही थॉट, अगर सोच को खरगोश सोच को के एंड द टर्टस चिदा शमसते के नेवर विन द रेस्ट, दा खुचरिम रेस नशी गटली। हु वॉन द रेस, किसने रेस जीता। चार रेसो गटो द टर्टस वॉन द रेस, किचवे ने रेस जीत लिया। वट डज द
स्टोरी टेल अ स्टोरी, हमें क्या बताती है कहानी, हमें क्या बताती है कहानी, मुझे तो सु टीच कई सु सबक रहा था कई। द स्टोरी टीच अस नट टू प्राइड ऑन हिमसेल्फ, स्टोरी हमें सिखाती है, कहानी हमें सबक सिखाती है, नट टू प्राइड के खुद ऑन हिमसेल्फ, खुद पर फख्र नहीं करना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए। ना कहानी हूँ तो वही चिप गुरूर नदी कौल पकार। और इसके बाद आप ज़रूर देखिए यूनिट नंबर 5 पार्ट नंबर 6 ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ आप देख सकते हैं। सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अपना ख्याल रखिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, कमेंट्स ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।